घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर वो उसी के साथ जा कर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पर फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया, ट्रामा में मैं मिला भी उससे, बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे। तो उसने किसी का नाम नहीं बताया, उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई है। मैं कह रहा हूँ साले ने गोली चलाई, और अगर साले से उसने इस बात को शेयर किया था कि मेरे ऊपर गोली चलाई है, तो उसको अगर आयुष से हमदर्दी थी, गोली कहीं भी लग सकती थी, तो उसको हम लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी। मैंने कोई FIR नहीं किया, क्योंकि वो साला कुछ अलग तरीके की बात कर रहा था, तो कोई FIR नहीं किया। मैंने सोचा इसकी हकीकत जो कुछ भी है पुलिस जांच कर ले, उसके बाद जो भी आएगी वो पुलिस अपने आप